बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति PVUNL प्रबंधन से PVUNL प्रशासनिक भवन में की गई बैठक, जिसमें विस्थापित एवं प्रभावित के हितों को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। PVUNL के साथ बैठक के बाद अंबा प्रसाद ने कहा कि विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति की मांगों और समस्याओं को लेकर बैठक की गई है, जिसमें 50 लोगों को PVUNL ने नौकरी पर रख लिया है और आगे भी लोगों के लिए जगह बनाकर रखा जाएगा। PVUNL हमारी मांगों को सुन रहा है। वहीं CSR के तहत क्षेत्र के विकास के कई कामों पर बातचीत हुई है। साथ ही PVUNL में पैसे से नौकरी में लगाने वाले पर रोक लगाने का आश्वासन मिला है। देखिए, आज यहाँ पे PVUNL में एक बैठक हुई है विस्थापित समिति के साथ और अन्य मुद्दे जो क्षेत्र में है विस्थापितों के, उनका समस्या को लेकर हम लोग आज बैठक करते थे, जिसमें कि 50 लोगों को PVUNL ने नौकरी में रख लिया है और उसके अलावा अभी आगे भी जो जगह बना के और उनका रखने का योजना है उसमें भी चर्चा हो रही थी। तो PVUNL काफ़ी सपोर्टिव है और जो भी हम लोग काम दिए हैं या मांग हम लोग जो भी रखे हैं उस पर अभी उनका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और CSR के तहत हमने काफ़ी सारे काम उनको दिए हैं करने के लिए जो हम लोग क्षेत्र से कलेक्ट किए हैं, तो वो सब बात भी रखा गया साथ में। और भी अन्य समस्या जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से कुछ कुछ लोगों को नहीं रखा गया है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसको भी इन्होंने देखा है कि वो इंश्योर किया जाएगा। शिकायत ये भी आ रही है कि कुछ लोगों को नौकरी जो मिला था पहले पैसे के अवज में ब्रोकर के माध्यम से, उस प्रथा को बंद कर दिया जाएगा, ये आश्वासन मिला है। नहीं, लिखित मौके तो सब कुछ है, हम लोग जब हम हैं और हमारे सामने सारे रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी लोग हैं, तो सारा चीज़ ऑथेंटिक है और सब कुछ हो भी रहा है।